नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे रीट हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, इसके अलावा पटवार हो गया, उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोटीन अपचय यानी कैटाबोलिक के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बाहर निकालने की जो जैविक प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक के अंदर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दो है, स्तनियों का उत्सर्जी पदार्थ यानी मुख्य रूप से मनुष्य का पूछ रहे हैं, तो मनुष्य या स्तनधारियों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीन नंबर पे, मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है, तो मनुष्य के अंदर जो यूरिया है वो आर्निथिन चक्र के द्वारा लीवर या यकृत में निर्मित होती है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर पे चलते हैं, एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है तो कौन सा पदार्थ अधिक उत्सर्जित होगा? अगर अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ले रहा है तो अमीनो अम्ल बनेंगे या फिर अमोनिया बनेगी, उस अमोनिया को लीवर के अंदर लाकर यूरिया या यूरिक एसिड में चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यूरिया या यूरिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच नंबर, यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो नाइट्रोजन का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है वो होता है तिलचट्टा या कॉकरोच के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर पाँच में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर, मानव वर्ग किडनी या गुर्दा की जो क्रियाशील या मूल इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको नेफ्रोन या वृकणु कहा जाता है, तो छठे में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है? हेनले लूप का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अवशोषण करना, जल का और अन्य जो खनिज लवण उनका अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर पे चलते हैं, हाइड्रा यानी जो सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है वह मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसके अंदर मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो अमोनिया होगा, यानी ये मोनोटेलिक प्रकार का प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य का वृक होता है, मनुष्य का जो वर्क है वो किस प्रकार का है? तो मनुष्य का जो वर्क होता है वो मेटा नेफ्रोस प्रकार का होता है। जो वर्क हैं वो उत्पत्ति के आधार पे या परिवर्तन के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटा नेफ्रोस। जो मेटा नेफ्रोस वर्क हैं वो सबसे विकसित प्रकार के वर्क हैं और मनुष्य के अंदर या स्तनधारियों के अंदर वो वर्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो यूरिया की जो सर्वाधिक मात्रा होगी वो यकृत शिरा के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यानी एविज जो संघ है एविज जो वर्ग है और रेप्टिलिया जो वर्ग है उनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो है यूरिक एसिड, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूत्र का पीएच का मान होता है, जो मूत्र का पीएच मान है वो 6 होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, मूत्र का पीला रंग होता है, जो ऑप्शन फर्स्ट है पित्त की उपस्थिति के कारण, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, तो पित्तरस के अंदर जो पाया जाता है यूरोक्रोम वर्णक, उस वर्णक के कारण पित्त का रंग हल्का पीला होता है, तो 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है यानी जिस प्रकार मनुष्य के अंदर किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है उसी प्रकार ग्रीन ग्रंथियां किस संघ या वर्ग के अंदर पाई जाती है जिनके द्वारा उत्सर्जन होगा? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जो क्रस्टेशिया वर्ग है उसके अंदर ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, परानिसिंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो किडनी के किस भाग में या नेफ्रोन के किस भाग में संपन्न होगा? तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये बोमेन संपुट में संपन्न होता है, यानी बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस से जो पदार्थ छनके आते हैं
और उस छन्ने की क्रिया को प्राणिसिंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या होती है। तो प्रत्येक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स की संख्या होगी वो 10 से 12 लाख या ऑप्शन के आधार पर करें तो 1 मिलियन हो जाएगी। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर, मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो लगभग की बात की जाए तो लगभग 1 से लेकर 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो इनमें ऑप्शन के आधार पर देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, लगभग 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, रक्त में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए सही है इसमें। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट या हिनले लूप या पेलिस के द्वारा। तो जो उत्सर्जन या पृथक्करण जो होगा वो होगा बोमेन संपुट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। तो तैयार किया था यूरिया को। तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्माण किया गया था। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे, आर्निथिन चक्र का संबंध है। आर्निथिन चक्र का जो 1932 में क्रेब्स व हेंसलेट के द्वारा खोज की गई थी उसका चक्र किससे है। यह चक्र लीवर के अंदर चलता है और यूरिया निर्माण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन के बारे में पता लगाना है। तो पहला कथन है मूत्र का पीएच का मान लगभग 6 होता है। सही बात कह रहा है, सही बात है, असत्य कथन नहीं है ये। बी ऑप्शन पे चलते हैं, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। सही है, मूत्र में H2O की मात्रा लगभग 95% सही है। मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2.6% सही है। ताज़ा मूत्र में दुर्गंध यूरिनॉइड के कारण होती है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किडनी में पत्थरी का निर्माण का कारण है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल है वो पत्थरी या स्टोन के रूप में किडनी के पेल्विस भाग में एकत्रित हो जाते हैं जिनको अपने किडनी स्टोन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन से संबंधित भाग कौन सा नहीं है। तो नेफ्रॉन से संबंधित इसमें जो भाग है वो संग्रह नलिका नहीं है। बाकी बोमेन संपुट, हेनले का लूप, DCT या दूरस्थ कुंडलित नलिका ये नेफ्रॉन के भाग होते हैं। संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डायलिसिस या अपवहन किससे संबंधित है। डायलिसिस की जो क्रिया है वो किडनी से संबंधित होती है, ऑप्शन बी सही है। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसके रक्त बाहर निकाल के उससे कृत्रिम रूप से जो यूरिया है उसको पृथक करना या रक्त को शुद्ध करना डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एंजाइम या जैव उत्प्रेरक मूलतः क्या है। यानी जैव उत्प्रेरक किससे मिलकर बनते हैं मुख्य रूप से, एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं। तो एंजाइम हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे, मूत्राशय अनुपस्थित होता है। यानी किन प्राणियों के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है सांप, मगरमच्छ में, घड़ियाल में, प्रोटोथेरिया में, पक्षियों में, उपरोक्त सभी में। तो इनमें से जो मूत्राशय अनुपस्थित होगा वो सभी के अंदर, जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सभी के अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 28 पे, वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाएंगे। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वे प्राणी कहलाते हैं यूरियोटेलिक, जैसे मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया, केंचुआ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन का पता लगाना है, ऑप्शन ए कह रहा है मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होती है। सही बात है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, ये बात भी सही है, एक जोड़ी मूत्राशय एक मूत्र मार्ग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, मनुष्य के अंदर केवल और केवल एक मूत्राशय होता है। एक जोड़ी का मतलब है दो, तो दो मूत्राशय नहीं होते, केवल एक मूत्राशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन है, किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है।
तो किडनी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो पाया जाता है पेरिटोनियम का, यानी पेरिटोनियम नामक संरचना के द्वारा ही उदर गुहा से जुड़ी रहती है और इसके चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है वो पेरिटोनियम माना जाता है। वैसे इसके चारों ओर पाए जाने वाला आवरण रिनल कैप्सूल या फिर वृक्क संपुट कहलाता है। बाकी अगर ऑप्शन में नहीं है तो पेरिटोनियम यहाँ पर सही माना जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये तो थे 30 महत्वपूर्ण उत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।